finally, finally I've come to that place. Reasons in Abu Dhabi, either. And it's the Warner Brothers Studio. And मैं DC fan, मुझे DC बहुत ज़्यादा पसंद है, DC comics. तो I can't say how much excited I am. I hope you enjoy it. अब मैं आ चुका हूँ Warner Bros. Studios के अंदर. I hope you can see this. अच्छा, it's divided into few sections, including Bedrock, Flintstones वाला, Gotham City, my favorite one, Hollywood, Harry Potter, Metropolis, and cartoon. से पहले मैं obviously Gotham City जाऊँगा. It's my favorite. So. स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में. और ये व्लॉग आपने टाइटल देख लिया है, आपने शुरू भी कर दिया व्लॉग, तो थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि कैसे इस व्लॉग की कहानी कहाँ तक पहुँचती है. दोस्तों ये बात है जून 2018 की, और उस टाइम पे मेरा एक दोस्त है विदु, उसके फादर दुबई या फिर आबू धाबी में कहीं पर मैं कहीं तो काम करते थे. तो उसने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी थी वॉर्नर ब्रदर्स स्टूडियो की आबू धाबी. तो उसने बताया कि अभी मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ और मेरे फादर की वजह से मैं यहाँ पर भी घूमने आ गया. तो मुझे तब मालूम पड़ा चला था कि आबू धाबी में वॉर्नर ब्रदर्स स्टूडियो खुल गया. आप लोगों को तो पता ही है कि मैंने व्लॉग में ही बोला है. तो और उसी साल हमारा प्लान बन रहा था बाहर घूमने का, ठीक है. तो कुछ बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर सेलेक्ट करी थी. तो मैंने कहा था पापा दुबई चलते हैं, आबू धाबी भी घूम लेंगे वहाँ पर. और आबू धाबी में उस टाइम पर क्या अभी भी वहाँ पर फरारी वर्ल्ड वगैरह तो है ही. तो काफ़ी लोगों से मारे मालूम नहीं है, तो बहुत लोगों ने कहा यार तू फरारी वर्ल्ड क्यों नहीं गया, तुझे पता है वहाँ पर फरारी वर्ल्ड है. मुझे मालूम है, मैं रिसर्च करके गया था, मैं घूमने जा रहा हूँ. तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँ होता क्या. 2 अक्टूबर की सुबह थी, मैं और भैया निकल गए वॉर्नर ब्रदर्स स्टूडियो के लिए, और पापा मेरे निकल गए सिटी टूर के लिए. तो अगर कहा जाए तो मैं आबू धाबी शहर नहीं घूमा हूँ, मैंने यहाँ पर डेजर्ट सफारी करी है, और जितना भी बस वगैरह में ट्रैवल किया, जितना भी ट्रैवल किया वो देखा है. लेकिन उसके जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो और जो चीज़ें हैं वहाँ पर मैं घूम नहीं पाया, वहाँ पर पापा मम्मी गए थे. तो मैं और भैया निकल गए थे यास आइलैंड के. तो वहाँ पर यास आइलैंड नाम की जगह है, YAS यास आइलैंड. वहाँ पे लेगो वर्ल्ड है, वहीं पे फरारी वर्ल्ड है, वहीं पे है वॉर्नर ब्रदर्स स्टूडियो, जो कि उसी साल खुला था. उसे खुले हुए मेरे ख्याल से 3-4 महीने के आसपास ही हुए थे, उससे पहले नहीं खुला था. तो इनफैक्ट जब मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ पे वो खुल ही रहा था, शुरू ही हो रहा था, सारे राइड्स वगैरह पे लगे हुए नहीं थे, अब अपग्रेडेड हो गया होगा वो. ध्यान से देखिए इस गली को. इसी गली में उस नन्हे बालक ब्रूस वेन के माँ बाप की हुई थी मृत्यु. कहा जा रहा है जोई चिल नामक एक चोर ने की थी उनके माँ बाप की मृत्यु. हिल गया पूरा, घुमा देते हैं. वहाँ पे होता ये है कि वहाँ पे जितने भी कॉस्प्लेयर्स थे या फिर जितने भी अगर मैं कहूँ तो लाइव एक्शन कैरेक्टर जो अपने को पोर्ट्रे करे थे, वहाँ पे हार्ले क्विन बड़ी कमाल की थी. हार्ले क्विन और जोकर, मुझे तो काफ़ी डर भी लगा था. और मैंने उस दिन बैटमैन की टी शर्ट पहन रखी थी. अब ये लक था क्या था, लक ही बोलूँगा मैं तो. बैटमैन की टी शर्ट वैसे भी मैं पहन के ही रखता हूँ, तो उस दिन मैंने पहनी हुई थी. तो हार्ले क्विन बाहर आकर मेरी टी शर्ट छेड़ रही थी, खींच रही थी उसको कि रिमूव दिस टी शर्ट, रिमूव दिस टी शर्ट. और उस टाइम पे हुआ ये कि मैं उस टाइम पे सब लोग देख रहे थे कि बैटमैन की टी शर्ट, कमाल की बात है आप वॉर्नर ब्रदर्स स्टूडियो जा रहे हैं, आप में से किसी ने भी
जरूर नहीं कि आपने बैटमैन टी शर्ट ना पहन रखी हो, जस्टली की नहीं पहन रखी हो, टॉम एंड जेरी वहाँ पे वार्नर ब्रदर्स के जितने भी कैरेक्टर्स हैं किसी ने भी वहाँ पे उनकी टी शर्ट वगैरह नहीं पहन रखी। इकलौता मैं ही था उस दिन, तो मैं थोड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था उस दिन। तो हार्ली क्विन मेरी टी शर्ट खींच रही है, जोकर आके मेरे को मेरी टांग खींच रहा है, रिडलर मेरी टांग खींच रहा है, बैटमैन से जब मिला, रॉबिन से जब मिला, तो अच्छा पता क्या है, वो कॉस्प्लेयर्स भले ही हो पर वो आपस में भी एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं जैसे वो रियल लाइफ कैरेक्टर हैं। तो मुझे याद है शायद मैंने उस टाइम पर रॉबिन की और बैटमैन की आपस में बात, उनके आसपास में कोई नहीं होगा, फोटो भी उस टाइम पर कोई नहीं खिंचा रहे, तो मैंने उनको सुना, तो रॉबिन और बैटमैन आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक इट्स टाइम टू गो रॉबिन, अल्फ्रेड मस्ट बी वेटिंग फॉर अस, ऐसे कुछ बात कर रहे हैं। तो ये मुझे बाकी चीज़ बड़ी कमाल की लगी, और कभी मौका मिला तो फिर से वहाँ पर जाऊँगा। और आबू धाबी में इस बार मेरे को लेगो वर्ल्ड भी घूमना है, फरारी वर्ल्ड भी घूमना है, जब कभी मौका मिलता है, लाइफ मौका दे दिया तो। पर ये था जो मैंने अपनी तरफ से रिकॉर्ड किया है। अब चलिए आप व्लॉग को एंजॉय करिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेता मैं। नाउ आई एम मूविंग टू मेट्रोपोलिस। बेडरॉक, बेडरॉक इज वो फ्लिंटस्टोन्स वाली जगह, क्या बड़ा बड़ू। टू ऑलराइट। आई हैड दिस फ्लिंटस्टोन्स राइड और उसमें पूरा ऐसे गीला हो गया, बिकॉज जब राइड खत्म होती है तो वो ऐसे जाती नीचे की तरफ स्लोप पे, पूरा पानी ऊपर आता है। गाइस आई एम लिटरली हैविंग द टाइम ऑफ माय लाइफ, लाइक पूरा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, 90s से कार्टून्स और वो सब भी। म्यूजिक, यू कैन हियर द म्यूजिक, इट्स ओके, सो यू कैन गेट माय फील। आई होप मैं व्लॉग में सब कुछ दिखा पा रहा हूँ जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। एंड अभी 2:30 पे जोकर एंड बैटमैन शो है, इसके अभी मैं जाने वाला हूँ। Put your hands together for this courageous citizen. Thank you. Just remember, stay calm, stay alert, and avoid any clowns in Gotham City.
Journey also concludes here और so amazing है, बहुत मजा है overall, एक new experience मिला हर सोल फोक्स. तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, ये था आज का एपिसोड, आई होप आपको पसंद आया. यहीं पे जर्नी मेरी ख़त्म होती है दुबई आबू धाबी की, और इसी रात को हम निकल गए थे वापस अपनी कंट्री, अपने देश के लिए, अपने घर के लिए. और कुछ 4 दिन और 3 रातों का हमारा सफ़र था. तो इस हिसाब से आप सोच लीजिए कैसे हमारी प्लानिंग थी, हम कितनी हड़बड़ी में थे, कितनी जल्दबाजी में थे. ये फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक हम घूम ही रहे थे. टाइम लिमिट था, भैया का ऑफिस था तो उसकी वजह से 3 अक्टूबर को ऑफिस था, और 2 अक्टूबर मतलब 3 अक्टूबर की सुबह हम वापस सुबह सुबह हम पहुँचे थे. उस टाइम पे भैया बस घर पहुँचते ही नहा धो के तैयार होके नींद में ही ऑफिस के लिए निकल गए थे. सो दोस्तों आज का जो कोट ऑफ द डे है वो ये है कि यू आर योर होम. और मेरी उंगलियाँ भी ज़रा बेटर हो गई है, देख सकते होंगे. तो यहाँ पर कील घुस गई थी तो उसकी वजह से थोड़ी ऐसा कट लग गया था, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है. और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए. और भी बहुत सारे व्लॉग्स हैं, धीरे धीरे आते रहेंगे. ये मेरे को सीरीज़ कंप्लीट करनी थी. कैसी लगी आपको सीरीज़ बता देना मुझे कमेंट में. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमेशा याद रखिए आप सब सुपर हीरोज़ हैं लाइफ, हमेशा आगे बढ़िए, अच्छा करिए. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय. I'm gonna be my vision.